हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं जापनीज एनिमेटेड एक्शन मूवी लेके आई हूँ गैट्सो, जिसे हाल ही में मुझे काफी रिक्वेस्ट आने लगी थी। ये एक साईफाई एक्शन एनिमे मूवी है। सो जब मूवी की शुरुआत होती है तब हम टोक्यो शहर में देखते हैं, जहाँ पे मॉन्स्टर्स का काफी भारी हमला हो रहा था। इसी में हम रायका नाम की लड़की को देखते हैं जो इस मॉन्स्टर को मारने के लिए आती है, लेकिन वो मॉन्स्टर इसे देख लेता है और एक कार फेंक के उसे मारता है। वो कार के नीचे कुचलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका टीममेट कुरोनो वहाँ पे आ जाता है और उसे बचाता है और वो दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर पे हमला करते हैं। लेकिन मॉन्स्टर ताकतवर होने के कारण कुरोनो पर भारी पड़ता है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो उस मॉन्स्टर से आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करता है। जब ये सारी लड़ाई चल ही रही थी तभी दूसरी जगह पे हम देखते हैं एक बड़े से स्पेयर में एक टाइमर चल रहा है जिसमें सिर्फ 53 सेकंड्स बचे हुए हैं। यहाँ पे कुरोनो उस मॉन्स्टर पे फायरिंग करता है और इस फायरिंग में मॉन्स्टर तो मरता ही है, लेकिन ब्लास्ट के कारण कुरोनो भी मारा जाता है। तभी रायका वहां से अचानक से टेलीपोर्ट होके दूसरे लोकेशन पे आती है। अब ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। तो दूसरी जगह पे मसारू काटो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के लिए बर्थडे केक लेके जा रहा था। तभी स्टेशन पे उसकी नजर एक बुजुर्ग पे पड़ती है। एक आदमी उन बुजुर्ग को मार रहा था, इसलिए उन बुजुर्ग को वो बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो हमलावर इसे भी मार देता है और मसारू उधर ही मर जाता है। लेकिन अगले ही पल में वो खुद को एक बंद रूम में पाता है। उसके साथ वहाँ पे और भी लोग कैद थे, जैसे कि रायका जो मॉन्स्टर से लड़ रही थी, फिर सुजुकी, निशी और एक सेल आदमी रहता है। और यहीं पे वो ब्लैक स्पीयर था जिसे गैट्सो कहा गया है, वो एक्टिवेट हो जाता है और इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हारी पुरानी लाइफ अभी खत्म हो चुकी है, ये गेम की दुनिया है। उन्हें एक टास्क दिया जाएगा और उनके अगले टास्क में नुरारियन नाम के मॉन्स्टर्स के लीडर को उन्हें खत्म करना है और उनसे लड़ने के लिए इन्हें कई सारे एडवांस वेपन, एक बहुत ही अच्छा सूट दिया जाता है। जो गुस्सेल आदमी था वो सूट पहनने से मना करता है और काफी आर्ग्यूमेंट करने लगता है, तो निशी उसे सीधा मार देता है क्योंकि आगे जाके गेम में ये जरूर मुसीबत खड़ा कर देता। अब मसारू भी सूट पहन लेता है। अब सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होके ओसाका नाम की जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर्स ने ऑलरेडी हमला कर दिया था। तभी इनके तरफ एक ज़ॉम्बी चला आता है। रायका और सुजुकी उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो काफी दूर था। तभी निशी के पास बहुत ही एडवांस गन थी जिससे वो ज़ॉम्बी पे फायरिंग करता है और वो मर जाता है। और वो पूछता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, तो सुजुकी बताता है कि हम सब पिछले दुनिया में मारे गए थे, इसीलिए अब यहाँ पे हम एक सर्वाइवर गेम में कैद है। तब से हम मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। जो मॉन्स्टर का हमला हुआ था शहर पे वो हमारी ही टीम को रोकना था और लास्ट राउंड में मॉन्स्टर को मारते हुए हमारा लीडर कुरोनो मारा गया, इसीलिए तुम यहाँ पे हमारे साथ हो। अगर इन्होंने टाइम के पहले मिशन खत्म नहीं किया तो इनका एक टीम मेंबर मारा जाएगा। इसी दरमियान और भी मॉन्स्टर इन्हें घेर लेते हैं और एक जायंट मॉन्स्टर इन्हें देख लेता है और सुजुकी और राय को उस मॉन्स्टर को उन्हें मारने की काफी कोशिश कर रहा था और वो सुजुकी और राय को इनको पकड़ लेता है और मसारू उनकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो इस गेम में नया था इसलिए ठीक से मदद कर नहीं पाता। कैसे तैसे सुजुकी और राय को खुद को छुड़ा लेते हैं, लेकिन तभी उस जायंट मॉन्स्टर का सर मसारू के ऊपर गिर जाता है, लेकिन उसका सूट एडवांस होने के कारण वो बच जाता है। तभी वहाँ पे इन्हीं की तरह एक दूसरी टीम आ जाती है जिसका नाम था ओसाकी। उनके पास इनसे भी ज्यादा भारी हथियार, औसम कार्स और बाइक्स थे, एक से बढ़कर एक एडवांस चीजें थी। ओसाका टीम इनकी हालत देख के काफी हंसने लगती है। तभी वहाँ पे जब मॉन्स्टर का हमला होता है तब एक ही मिनट में ओसाका टीम अपने एडवांस वेपन से उन सबको मार गिराती है। जहाँ पे मसारू की टीम स्ट्रगल कर रही थी वहीं पे इनकी टीम काफी एडवांस थी, लेकिन इस लड़ाई में ओसाका टीम के कुछ मेंबर्स भी मारे जाते हैं और तभी वो अपने असली वेपन्स निकालते हैं और उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देख मसारू हैरान हो जाता है और वो सुजुकी से पूछता है कि इनके पास इतने एडवांस और खतरनाक वेपन्स कैसे। तो सुजुकी बताते हैं जो भी इंसान दिया गया टास्क पूरा करता है तो उसे गेम के आखिरी में वापस उस रूम में लाया जाता है और उनके स्कोर बताए जाते हैं। जिसका स्कोर भी 100 होगा उसे तीन बोनस का ऑप्शन दिया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन सुपर वेपन, जो इन्हीं की तरह सुपर वेपन सिलेक्ट कर सकता है। सेकंड ऑप्शन, अपने डेड टीममेट को वापस रिवाइव करना। या फिर तीसरा ऑप्शन, ये सारी चीजें भूल के असली जिंदगी में वापस जाना। उन्हें याद भी नहीं रहेगा कि वो किसी गेम का हिस्सा थे। ओसाका टीम मेंबर्स ने से कई सारे पॉइंट्स जीते हैं इसीलिए उन्हें एडवांस वेपन्स मिले हैं। तभी निशी अपने सूट के इनविजिबल टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां से निकल जाता है। वो अकेले ही नुरारियन यानी उस मॉन्स्टर लीडर को मार के 100 पॉइंट्स स्कोर करना चाहता था। ये गेम असली दुनिया में एक जगह पे चल रहा था जहाँ पे काफी सारे सिविलियंस को वो मॉन्स्टर्स मार रहे थे।
केते एक मसारू को उन लोगों की मदद करने जानी थी, लेकिन सुजुकी और राइका उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ नुरारियन को ही मारना है, बेवजह मॉन्स्टर्स से लड़े तो हमारी जान जा सकती है। लेकिन मसारू के लिए ये सारी चीजें डरपोक लगती है और इनकी बातें पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहां से निकल ही रहा था। तभी सुजुकी उसे कहता है कि देखो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना है, और कुछ कॉइन देते हुए उसे कहता है कि क्यों ना तुम अपने भाई से बात करो। वो फोन बूथ से अपने भाई को फोन लगाता है और उस बेचारे को पता भी नहीं था मैं उसका भाई मारा गया है। ये गेम असली दुनिया में ही चल रहा था, इसीलिए उसका भाई न्यूज पे भी इन मॉन्स्टर हमले के बारे में उसे पूछता है। तो मसारू अपने छोटे भाई को घर में ही रहने के लिए कहता है। ये सब कुछ दूर से वो मॉन्स्टर लीडर देख रहा था। यहाँ पे गेम की दुनिया में शहर में काफी हंगामा मच गया था, मॉन्स्टर पूरे शहर को बर्बाद कर रहा था। तो ओसाका टीम को भी सिविलियंस को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें बस अपना मेन टास्क कंप्लीट करना था। मसारू सिविलियंस को बचाने के लिए जाता है, लेकिन गोलियों का मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वो मॉन्स्टर को पंच मारता है, जिसे पहली बार उसे सूट के स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है, और वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए बहुत बड़ी लीप लेता है, लेकिन अपने अंदाजे से आगे चला जाता है। अब मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा चबाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे ओसाका टीम की एक मेंबर आ जाती है, अंजू, और वो मसारू को बचाती है मॉन्स्टर से। अब यहाँ पे मसारू लोगों की जान बचा रहा था, ये देख के उसे भी काफी अजीब लगता है। तभी एक मॉन्स्टर को हम देखते हैं, वो आसपास के बुजुर्ग लोगों पे हमला कर रहा था। मसारू उनकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन अंजू उसे काफी समझाती है कि हमें ये सब नहीं करना है, लेकिन मसारू उसकी एक नहीं सुनता और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है। लेकिन अभी भी उसे मॉन्स्टर को मारने के ट्रिक्स पता नहीं थे, काफी स्ट्रगल कर रहा था, इसीलिए अंजू उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर के चंगुल में आ जाती है। तभी मसारू अंजू की गन लेता है और उस मॉन्स्टर पे हमला करने लगता है। अब इस हमले से मॉन्स्टर मारा जाता है और अंजू बचती है। ये देख के अंजू काफी इम्प्रेस होती है कि अगर इसने मेरी एडवाइस मान ली होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं बचती, बिना अपने जान के सोचे इसने आज मेरी जान बचाई है। वो उसे उसके बारे में पूछती है, तो मसारू बताता है कि उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, तब से ही वो अपने छोटे भाई के साथ रह रहा है। तो अंजू उसे बताती है कि मेरा भी एक 10 साल का बेटा है, इनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसीलिए इन दोनों को भी गेम में जिंदा रहना होगा ताकि वापस असली दुनिया में जा सके। तभी वहाँ पे ओसाका टीम आती है। अंजू बताती है इनसे भी ज्यादा इलाइट एक और टीम है जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार है, हचिरो ओका। वो लोग 7 बार बोनस जीते हैं, लेकिन वो सिविलियंस या मॉन्स्टर को मारने के लिए नहीं आते, कहीं पे छुपकर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें बस नुरारियन को ही मारना है। तो वहीं पे दूसरी तरफ हम राइका और सुजुकी को देखते हैं जो छुपे हुए थे, गेम में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बहुत ही बड़ा विशाल मॉन्स्टर समुन्द्र से बाहर आता है। अब वो मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह करने वाला था, बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था, और तभी उससे लड़ने के लिए हचिरो ओका स्ट्रीम की एंट्री होती है। ट्रांसफॉर्मर की तरह ही उनके पास बहुत बड़ा सूट था और वो उस विशाल मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगते हैं और शहर में 2 जायंट्स की लड़ाई शुरू होती है। राइका और सुजुकी इनकी लड़ाई देख ही रहे थे, तभी शहर की आर्मी इनके ऊपर हमला करने के लिए आती है, लेकिन मसारू आके उन्हें रोक लेता है। लेकिन तभी दूसरी जगह से एक और मॉन्स्टर आता है, आर्मी उसके ऊपर फायरिंग करने लगती है, कुछ भी असर नहीं होता उस पे, कई लोगों को वो मार गिराता है। अंजू उस मॉन्स्टर का ध्यान अपने तरफ खींचती है और मौका देख के मसारू अपने गन से फंदा फेंक के उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि उस फंदे को तोड़ देता है। वो जैसे ही मसारू की ओर बढ़ता है, ओसाका टीम के दूसरे मेंबर शिमाकी और नोबियन आके उस पे हमला करते हैं। उसे मारने के लिए नोबियन उसके ऊपर कई सारे हमले करता है, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो मॉन्स्टर नोबियन को अपने चंगुल में पकड़ लेता है। ये सब कुछ इतने जल्दी हो रहा था कि शिमाकी उसके मदद करने के लिए पहुंचे, उसके पहले ही नोबियन मॉन्स्टर के हाथ आया था। नोबियन उस मॉन्स्टर को काफी मारता है और इनकी काफी घमासान लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में मॉन्स्टर तो मरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ नोबियन भी मारा जाता है। और तभी गेम में एंट्री होती है इन मॉन्स्टर्स के लीडर नुरारियन की। शिमाकी तुरंत उसे 4 हिस्सों में काट देता है, लेकिन ये पीसेस अलग अलग होके वापस जनरेट होते हैं और एक में मिल जाते हैं। शिमाकी उसके ऊपर कई सारे वार करता है, लेकिन वो चालाकी से हर बार बच जाता है। शिमाकी जब अपने सूट के मदद से उसे दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन नुरारियन कई सारे फीमेल बॉडीज में डिवाइड होके अपने शरीर में उसे खींच लेता है और एक बहुत ही बड़े फीमेल जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। थोड़ी देर के बाद शिमाकी का सर मसारू के सामने उगल देता है। मसारू और बाकी के प्लेयर्स उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी हमलों से वो बच जाता है। मसारू उस मॉन्स्टर के
हाथ में आता है और वो उसे जिंदा ही चबाने वाला था। लेकिन तभी नूरानियन के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला होता है और वो पूरा जमीन में पिस जाता है। ये हमला निशी ने किया था शिमागी के गन से, लेकिन नीचे बिखरा हुआ खून अचानक से उबलने लगता है और उसमें से एक अलग ही बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। यानी नूरानियन किसी भी मॉन्स्टर में बदल सकता था। अब ये देख निशी वहां से इनविजिबल होने लगता है, लेकिन नूरानियन तभी एक शॉक वेव जनरेट करता है और उसकी चपेट में आता है, जिसके कारण निशी का एक हाथ कट जाता है। ये देख मसारू सभी को लेकर समुन्दर में कूद जाता है। शहर में दूसरी तरफ उन दो जायंट मॉन्स्टर की लड़ाई चल ही रही थी। वो मॉन्स्टर हचिरो पे भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी हचिरो एक छोटे रोबोट में बदल के उस मॉन्स्टर के सर पे हमला करता है, जिससे वो मारा जाता है। अब हचिरो नूरानियन को मारने के लिए आता है और अपनी प्लाज्मा गन यूज करके उसके चितड़े उड़ा देता है, लेकिन अभी भी नूरानियन मरा नहीं था। वो इंसानी रूप में वापस रीजनरेट होता है और एक बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता है। दोनों की भी काफी घमासान लड़ाई होती है, जिसपे हचिरो उसपे कई सारे अटैक करके उसे बीच में ही चीर देता है, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था। वो वापस जनरेट हो सकता था, लेकिन हचिरो खुद जख्मी हुआ था, इसीलिए वो वहां से भाग जाता है। अब मसारू आगे आता है और उस मॉन्स्टर को मारने जाता है, लेकिन तभी नूरानियन के शरीर से एक बॉम्ब निकलता है, जिसकी चपेट में आके वो मरने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में सुजुकी आता है और वो उसकी जान बचाता है। तभी नूरानियन का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं। वो बहुत ही भयानक ट्रांसफॉर्मेशन था और वो हचिरो की तलाश में निकलता है। यहाँ पे मसारू, राइका और अंजू नूरानियन पे अटैक करने का एक प्लान बनाते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। तभी वहाँ पे नूरानियन वापस आता है, उसके हाथ में हचिरो का सर था और वो मसारू को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो उसका ध्यान बटाता है। तभी अंजू दूर से उसे स्नाइप करके उसका हाथ उखाड़ लेती है। वो और राइका अलग अलग एंगल से उसके ऊपर वार करने लगती है, तो नूरानियन भी उसके आई लेजर से उनको मारने की काफी कोशिश करता है। बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और मसारू उस धमाके का शिकार बन जाता है। उसके दोनों भी पैर टूट जाते हैं। अब नूरानियन मसारू के पीछे था, वो उसे आगे आके मारने ही वाला था, लेकिन तभी अंजू उसके तरफ अटैक करते हुए बढ़ती है, लेकिन नूरानियन अपने बीम से उसके दो टुकड़े कर देता है और अंजू मारी जाती है। तभी मसारू अंजू के पावरफुल गन से उसे चीर देता है। वो बार बार उसके ऊपर वार करने लगता है, जिसे आखिरी में नूरानियन को रिकवर होने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है और वो मारा जाता है। अब मॉन्स्टर लीडर मारा गया है, इसीलिए गेम खत्म हो जाता है और ये सब लोग टेलीपोर्ट होके वापस आते हैं। राइका, सुजू की, निशी और मसारू ही बचे हुए थे। स्कोर लिस्ट में मसारू को 100 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन वो ये ऑप्शन नहीं चूज करता, वो अंजू को रिवाइव करता है। और दोस्तों यहाँ पे मेन प्लॉट रिवील होता है कि अब तक मसारू ने ये गेम पहले भी खेला था। वो इनका लीडर था और हर बार मरने पे 100 पॉइंट्स उसे मिलते थे और वो हमेशा अपने टीममेट को ही रिवाइव करता था, लेकिन लास्ट गेम में उसने वापस जाने का रास्ता चूज किया था, इसीलिए वो अपने भाई के पास चला गया था, जहाँ पे दूसरों की मदद करते वक्त वो वापस मारा जाता है और वापस इस गेम में आ जाता है। तो दोस्तों ये थी मूवी गैट्सो, लेकिन इसकी जो एक बैक स्टोरी है वो इसके एनिमे में दी हुई है। इसकी बहुत ही बड़ी सीरीज है और इसी के ऊपर ये मूवी बनाई है। मूवी इसके एक्शन और VFX के लिए काफी फेमस है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।